आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर नमस्कार दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं टोयोटा इनोवा के अंदर जीपीएस, इंजन ऑन ऑफ वाला। उसके लिए हमें सबसे पहले ये खोलना है, इसको आप बस ऐसे जस्ट खींच लेना है, ये बाहर आ जाएगा। इसको साइड कर देंगे। इसके दो नट होते हैं, एक ये रहा नट, एक ये नट खोल लेंगे इसका, और एक सेम उस दूसरी साइड है वो खोल लेंगे। और ये आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका इस तरीके से जो है बाहर आ जाएगा। इसके नीचे भी एक नट है। दोस्तों इसमें ना पहले से ही जीपीएस लगा हुआ था, और हम इसको पहले निकाल देते हैं। किसी ने निकाला हुआ है, ये देख लीजिए, वायर कटी हुई है आपका, ये अलग हुई है, वो रखी है। ये देख लो कितनी घटिया फिटिंग करते हैं नॉर्मल लोग, है ना। टेप भी नहीं लगा रखी है इसके अंदर, हद है यार, हद है। ये क्या टेप है, अब मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली होता ये है, ये जो है आपका, इसको हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं। ये चाबी वाला है, इसके पीछे ही आता है सारा करंट, यहाँ पर इसी में आता है। हर किसी की चाबी के पीछे करंट होता है, सिर्फ पुश स्टार्ट में नहीं होता है। और सेम चीज़ क्रिस्टा में भी है, इनोवा क्रिस्टा में भी। ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, और ये आपका इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। उससे पहले हम इसमें डायरेक्ट करंट चेक करेंगे, मीटर ले लेंगे, इसको 20 पे कर लेंगे, रेड और ब्लैक इस तरीके से लगा लेंगे। और ये मीटर और भी बहुत जगह काम आता है, तो आप इसको परचेज़ करने ज़्यादा बेटर है, चाहे बेसिक सिंगल जीपीएस क्यों ना हो आपका। अर्थ इसमें लगा लेंगे टेम्प्रेरी बेस पे, परमानेंट अर्थ हम कहीं और लगाएंगे। ये देख लीजिए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी 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 नहीं आ रहा, अर्थ लग रहा है ही नहीं रहा इसके अंदर। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, अब दोबारा चेक करके देखते हैं एक बार। इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ऊपर इसमें भी नहीं आ रहा, 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 हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। डायरेक्ट करंट नहीं आ ना आए, इट्स नॉट पॉसिबल। चाबी गाड़ी की किधर है, देख लीजिए, सारा करंट चला गया। तो इसी में जो है ना सारी वायर होती हैं। अब इसमें करंट शो क्यों नहीं कर रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं। इस अर्थ का प्लेस चेंज करते हैं एक बार दोबारा से, इसको एक बार दोबारा चेक करते हैं। देख लीजिए, वो अर्थ ही गलत हो रहा था हमारा, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, इसमें इस वायर में हमारा डायरेक्ट करंट है, और किस किस में है। और हमें ये याद रखना है किस में हमारा डायरेक्ट 12 वोल्ट करंट आ रहा है। इसमें 12 वोल्ट है, ये मोटी सी है, इसके अंदर 12 वोल्ट है डायरेक्ट करंट। इसको हम मार्किंग कर लेते हैं, हल्का सा स्क्रैच मार देते हैं इस पर, इस पर हमारा डायरेक्ट करंट है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस पर नहीं है। अब हम छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे वायर का, हमें पता है एक इसमें और एक एक ब्लैक वाली में करंट आ रहा है। वैसे इसके अंदर पहले से लगा हुआ था तो वायर कटी हुई ऑलरेडी, तो अपने पता चल ही चुका है कौन सा वायर कटेगा।
बट फिर भी हम आपको एक तरीका बता देते हैं, इससे क्या है आप किसी भी गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर। हम पहले इसको करते थे कनेक्ट, नॉर्मली जैसा कनेक्ट होता है वैसे ही, क्योंकि हमें इसमें पता है वायर कौन सा कटना है, लेकिन कैसे पता करना है आपको मैं वो बताना चाहता हूँ। ये हो गया दो में डायरेक्ट था, किसी से भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट था हमारा, इसमें इससे तो कुछ होगा नहीं। फिर एक एंड हम इसमें लगा लेंगे और एक एंड हम बाकी सब में चेक करेंगे। इसमें डायरेक्ट था, अब इससे क्या हुआ हमारा, ये देख लीजिए, ये एसेसरीज की लाइट जली है, इससे इसके अंदर करंट आ गया है, ब्लू ब्लू लाइट जल गई है। ठीक है, इससे क्या हुआ, स्टीरियो जला गया, इससे कुछ ब्लोअर चल गया, इससे एसी का ब्लोअर चल गया इससे। तो ये ब्लोअर की वायर हो गई, ये आपके एसेसरीज की हो गई है, ये डायरेक्ट है और ये आपका है। इससे क्या हुआ, इससे कुछ हुआ होगा शायद, अभी पता है। हाँ, ये मीटर की लाइट है, ये वाली वायर कटेगी और यही वाली कटी हुई है ऑलरेडी, और ये सेल्फ वाली है, तो सेल्फ वाली हमें नहीं काटनी। तो हमारा ये डैशबोर्ड की लाइट इसमें जल रही है हमारे, हमें ये वायर काटनी है, तो हमें पता चल गया ये काटनी है और डायरेक्ट ये है। और जो वायर काटनी होती है डैशबोर्ड की लाइट है, वही एसीसी भी होती है। ठीक है, तो अब हम कनेक्शन करते हैं इसके, हमें पता चल ही चुका है। इनके पास ऑलरेडी जीपीएस है, हमें सिर्फ इंस्टॉल करना है, तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। जिसने पैसे लगा पहले लगाया है, काफ़ी गड़बड़ करी गई इसके अंदर। जीपीएस ऐसे लगाना नहीं चाहिए, काफ़ी अनसेफ हो जाता है गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी चालू होने के बाद ना ये वायर बहुत खतरनाक हो जाती है, कैसे कहीं भी अर्थ में टच होगी ना आपका फ्यूज उड़ जाएगा और गाड़ी चलनी बंद वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। एक एंड जो है हम एसीसी को इधर जॉइंट करते हैं, फोन बंद कर ले, 10 मिनट की बात है, बस बंद कर ले उसको। हमने एसीसी को यहीं पर जोड़ दिया है और यही एसीसी है क्योंकि हमारी, इसलिए। और अब हम एक सिरा इस तरफ लगा देंगे। अगर आप नॉर्मल जीपीएस लगाते हैं तो आपको ये वायर कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मली, भी सारे काम होते हैं जीपीएस, सिर्फ इंजन ऑन ऑफ नहीं होगा अगर ये आप रिले नहीं लगाते हैं, तो बाकी सारे काम होते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा रिले ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। जब आप रिले नहीं लगाते हैं ना तो आपके यहाँ से कनेक्शन हो जाते हैं और अंदर अंदर वायर चली जाती है, पता भी नहीं चलता किसी को। अब हमारे ये कनेक्शन हो चुके हैं, इसकी मेन लाइन कहाँ है, ये हमारी इसकी मेन लाइन थी, मेन लाइन को हम स्प्लाइस कर लेंगे। ये हमारी मेन लाइन स्प्लाइस हो गई है, मेन लाइन लग चुकी है। अब इसका रह गया अर्थ, अर्थ को हम जो है टेम्परेरी बेस पे कहीं लगा लेते हैं ताकि हम चेक कर लें इसको। ये वायर जो है ना आपकी, ये कॉपर बिल्कुल प्रॉपर है, ये कॉपर काला पड़ चुका है, मतलब ये कहीं ना कहीं गलत कनेक्शन हुए हैं इसके अंदर, इसके ऊपर लोड पड़ा है और इसने अपनी सबसे अपर लेयर कॉपर ने छोड़ी है, इसका रीज़न ये है, इसलिए काला पड़ जाता है। तो इसलिए जीपीएस वैसे से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, बट प्रॉपर इंस्टॉल करवाओ। ये मैंने यहाँ पर जो है आपका टेम्परेरी अर्थ यहाँ पर दे दिया, अरे सॉरी, यहाँ तो हम परमानेंट अर्थ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो। क्योंकि देखिए, जब हम इसका ये ढक्कन लगाएंगे ना तो इसके अंदर हमारा पेज जाएगा उसका, इसके ऊपर एक और छेद है ये वाला, ये रहेगा खाली, तो हम इसके अंदर परमानेंट ही दे देते हैं अर्थ। बहुत बढ़िया अर्थ है यहाँ पे।
अभी हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, अर्थ लग गया है, डायरेक्ट वायर लग गई है, एसी से टच कर दी है, रिले लग चुकी है और रिले का येल्लो जीपीएस के येल्लो के साथ ऑलरेडी अटैच है इसके अंदर। वो हो गया होगा अपडेट भैया, देख लो। चालू हो गया अपडेट, हो गया चालू, ये ऑन ऑफ कर लिया है हमने। आगे लोकेशन, अब इसको जो है ना चेक करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको कि हमारे कनेक्शन हुए हैं, ठीक हुए हैं, गलत हुए हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं। रिले के कनेक्शन प्रॉपरली, बाकी ये डायरेक्ट करंट आ रहा था, लग गया है, अर्थ लग गया है, तो जीपीएस तो चलेगा, रिले वर्क करेगी या नहीं करेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी को चालू करेंगे, न्यूट्रल है ना, इसको लगा लेंगे पहले हम, सॉरी, ठीक है। अब हम इसको चालू कर लेंगे, ये जीपीएस का जो येलो में येलो टच करते हैं हम लोग, येलो वायर को अगर हम बॉडी में कहीं भी टच करते हैं, बॉडी अर्थ में, ये हमने टच कर दिया, ये बंद हो गई गाड़ी, करंट चला गया ना, अब सिर्फ सेल्फ लेगी, चलेगी नहीं, इसको हटाते ही चल पड़ी। और बॉडी अर्थ, इसको हम कहीं भी बॉडी में टच करेंगे, मान लो यहीं पे टच करते हैं अगर हम, ये बंद हो गई, ठीक है, मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है। अब हम इसको पैक कर देंगे टेप वगैरह लगा के अच्छे से, और ये ध्यान रखिए जिससे भी आप जीपीएस लगवाते हैं ना उसे कहिए भैया 200 फालतू ले ले, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से जीपीएस लगा दें ताकि जो है आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। ये लग गया हमारा, अब हमारा जो है एसीसी रह गया है, इस पर टेप लगा देंगे हम। दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, ये टाई होती है, टाई से ही लगाएं जीपीएस, तो टेप का कोई भरोसा नहीं होता। अब ये जीपीएस रह गया हमारा, मेरा नंबर किस पे ले आ गया, जीपीएस के अंदर एक होता है दिस साइड अप, हाँ ये रहा, दिस साइड अप का स्टिकर लगा होता है और ये वाला आप है, तो इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे, इसको हम यहीं पर फिक्स कर देंगे। ये सब कुछ आपका फिट हो चुका है, अब हम जैसे ये खोला था हम इसको वापस लगा लेंगे। इसको हम वापस लगा देंगे, फाइनली दोस्तों ये सब कुछ हमने वैसा जैसा था वैसे वैसे पैक कर दिया है, ठीक है, और अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ हमारा पैक हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, बल्क रिक्वायरमेंट है, सिंगल पीस, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप हमारे ऊपर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर जीपीएस है तो उसको भी चला के हम लोग दे देते हैं। जीपीएस लगाने के बाद आप इस तरीके से हमारी 99 जीपीएस लॉगिन ऐप है प्ले स्टोर पर, वो डाल सकते हैं और उसके बाद आपको ये सारी गाड़ियाँ इस तरीके से चलती हुई दिखेंगी, ग्रीन, रेड और ये। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लाइव मैप पर आपको दिख जाएगी चलती हुई, जहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हुए देख सकते हैं मैप के ऊपर किस स्पीड में जा रही है, ऊपर आ जाएगा आपका, और कितनी देर से खड़ी है वो सब यहाँ पर बताएगा आपको।